कि प्लीज डोंट माइंड द स्वेटिंग, मैं पूरी गीली हो चुकी हूँ स्वेटिंग से. एक्चुअली पूरा शटर वटर सब बंद किया हुआ है, फैन इज ऑल्सो ऑफ और बहुत ज्यादा गर्मी. एनीवेज, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर शॉपिंग हॉल वीडियो. सो मैंने कुछ ज्वेलरीज ली है रिसेंटली अमेजोन से, कुछ ट्रेडिशनल एथनिक वेयर है और कुछ डेंटी एंड कैजुअल ज्वेलरीज है. जैसा कि आप लोगों को पता है अभी फेस्टिवल्स यू नो एक ही करके आ रही वाले हैं, शुरुआत होगी रक्षाबंधन से. सो आई थॉट व्हाई नॉट टू बाय सम ज्वेलरी जो मेरे तो काम आए, साथ ही साथ आप लोगों को भी हेल्प हो जाए. मुझे भी काफी टाइम से ज्वेलरीज चाहिए थी. वैसे आई एम नॉट अ ज्वेलरी पर्सन, मुझे ज्यादा एक्सरसाइज करना पसंद नहीं है, बट कभी कभी पहनना काफी अच्छा रहता है. यू नो लाइक रक्षाबंधन हो गया और दिवाली भी आने ही वाली है कुछ महीनों में, तो मैंने अभी से ही बाय करके रख दिया है. कुछ 8 पीसेस मैंने लिए हैं, सो आई विल शेयर दैट विद यू गाइज. So yes, if you guys are interested, then please keep on watching. Video zara sa bhi pasand aata hai, to please like button hit kijiye, share kijiye, subscribe kijiye mere channel ko, aur saath hi mein wo notification bell button hai na, usko bhi click kar dena taki mere videos ka notification aapko time se mil jaye. So yeah, let's begin. Okay, to shuruaat karenge traditional earring se. So sabse pehli earring hai ye. So these are my first pair of earrings. बहुत ही ब्यूटीफुल पीस है ये इयररिंग, जो है मोर पैटर्न में बना हुआ है. मुझे ये देखते ही इतना ज्यादा पसंद आ गया था, स्पेशली इसकी जो लेयरिंग है अलग अलग, और इसकी ऊपर की डिजाइन बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है. मोर की डिजाइन बनी हुई है और साथ में ये उसके पंख बने हुए हैं, और बहुत ही अच्छा मतलब कलर मुझे इसका काफी अच्छा लगा. एकदम ब्राइट येलो भी नहीं है, मतलब जो एकदम चटाक लगे और थोड़ा सा एंटीक लुक में आता है बिकॉज इसमें गोल्ड एंड ब्लैक का फिनिशिंग है. इस तरीके की इयररिंग आप सूट के साथ पहने, साड़ी के साथ पहने, कुर्तीज वगैरह के साथ पहने, बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है. मुझे तो ये देखते इतनी ज़्यादा पसंद आ गई थी, तो मैंने ये तो बाय करना ही था. मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई, स्पेशली दिस मोर का डिज़ाइन जो ये ऊपर बना हुआ है, बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है. ये बिल्कुल भी हैवी नहीं है, बहुत ही लाइट वेट इयररिंग है, इसलिए मुझे ज़्यादा पसंद आई है. क्योंकि मुझे ना ज़्यादा हैवी इयररिंग्स मैं नहीं बर्दाश्त कर पाती हूँ ज़्यादा लंबे टाइम तक. काफ़ी लाइट वेट है, ब्यूटीफुल तो है ही, और काफ़ी एंटीक एंड क्लासी लुक देता है. ट्रेडिशनल वेयर मतलब कुर्ती वगैरह या साड़ी वगैरह में पहनेंगे तो बहुत ही स्मार्ट एंड ब्यूटीफुल लगी. सो यस, ये है मेरे फर्स्ट पेयर ऑफ इयररिंग्स जो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वेयर देम. मे बी शायद मैं इसको दिवाली या रक्षाबंधन किसी एक दिन पहनूंगी, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल मुझे लगे हैं. और सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं है. सभी प्रोडक्ट्स का लिंक अगेन मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं, इसका एक ट्राई ऑन पार्ट देख लेते हैं. So my next pair of earring is very beautiful. मैं आपको दिखा देती हूँ. Okay, so ये है मेरे second pair of earrings. बहुत ही beautiful है. तो इसकी डिज़ाइन काफ़ी प्रिटी मुझे लगी, काफ़ी डिफरेंट लगी. तीन सर्कल है, ऊपर बड़ा है, बीच वाला थोड़ा सा छोटा है, एंड जो सबसे नीचे है वो काफ़ी बड़ा है, और बहुत ही प्यारा मुझे लगा. मतलब ये भी आप कुर्ती या साड़ीज वगैरह के साथ पहनेंगे तो काफ़ी ब्यूटीफुल लगेगा, और गोल्ड एंड येलो स्टोन्स की डिज़ाइन की हुई है जो देखने में काफ़ी प्रिटी लग रही है. तो आप इसको चाहे सिल्वर क्लोथिंग के साथ पहने या गोल्ड क्लोथिंग के साथ पहने, दोनों में काफ़ी अच्छा लगेगा क्योंकि इसमें स्टोन्स भी गोल्ड एंड सिल्वर दोनों यूज़ किए हुए हैं, तो काफ़ी वर्सेटाइल पीस है. आप इसको कुर्ती साड़ीज या किसी में पहनेंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा. और सबसे अच्छी बात इन इयररिंग्स की ये है ना कि बिल्कुल भी हैवी नहीं है. हालांकि देखने में काफ़ी हैवी लग सकता है, बट पहनने के बाद बिल्कुल भी हैवी मुझे तो नहीं फील हो रहा है, और ऐसे लॉन्ग में है तो काफ़ी अच्छा लगता है. देखने में तो अच्छा है ही, साथ ही काफ़ी रिजनेबल प्राइस में मुझे मिल गया था तो मैंने इसको बाय किया. सो यस, दीज आर माय सेकेंड पेयर. Moving on to my third pair of earring, जो कि है ये बहुत ही ब्यूटिफुल क्लासी एंड बहुत ही ट्रेडिशनल लुक पहनने के बाद देते हैं. बट ये मैंने अमेजोन से नहीं लिया है, ये मैंने मिंत्रा से लिया है, और ये मैंने आई थिंक कुछ टाइम पहले लिया था, ये रिसेंट बाय नहीं है. बट ये इतने ज़्यादा ब्यूटिफुल थे तो मैंने सोचा वाई नॉट टू इंक्लूड इन दिस हॉल. यू कैन सी इस टाइप की इयरिंग अभी काफ़ी ट्रेंड में चल रही है. ऊपर जो है बड़ा सा एक गोल्ड सर्कल है जिसमें काफ़ी यू नो अच्छा डिज़ाइन दिया हुआ है, और नीचे ये मूविंग चांद वाली टाइप का पैटर्न दिया हुआ है जिसमें ये यू नो येलोइश कलर की पर्ल्स दी हुई है. बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है. अगेन ये देखने में हैवी लग रहा होगा, बट हैवी बिल्कुल भी नहीं है. सी
इस टाइप की इयरिंग अगर आप किसी के वेडिंग फंक्शंस में पहनते हैं तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। इनफैक्ट आप ऐसी इयरिंग्स जो है दिवाली वगैरह में भी पहन सकते हैं, बहुत ही क्लासी एंड ट्रेडिशनल लुक तो दे रहा है, साथ ही साथ बहुत ही ज्यादा स्टाइलिश भी लग रहा है, तो मुझे काफी ज्यादा पसंद आया है। सो यस, दिस इज माई थर्ड परचेज। Moving on to my fourth earring is not a traditional wear. वैसे आप इसको casually भी पहन सकते हो और कोई कुर्ती वगैरह को style करना है तो उसके साथ भी पहन सकते हो। मैं open करके दिखा देती हूँ। काफी different and unique style मुझे लगा। ऊपर ऐसा gold का you know flat plate जैसा है और नीचे ये जो इसकी balls बनी हुई है बहुत ही ज़्यादा pretty लग रही है, और इसको अगेन राउंड अप किया है विद अ गोल्ड रिंग, और ये जो इसके अंदर ये जो बॉल है ना ये मुझे बहुत ज़्यादा प्रिटी लगी है, और इसके अंदर एक वाइट कलर की पर्ल है। ओवरऑल इयरिंग जो है बहुत ही ज़्यादा क्लासी एंड स्मार्ट है, अगेन बहुत ही रिजनेबल प्राइस में मुझे मिल गई थी। लेंथ भी मेरे लिए परफेक्ट है, ना ज़्यादा लंबी है ना ज़्यादा छोटी है, बहुत ही ब्यूटीफुल पीस है, आप इसको भी एक बार चेकआउट ज़रूर कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं आप लोगों को दिखाती हूँ एक बहुत ही छोटी सी इयरिंग है जो कि इस तरीके की पैकेजिंग में आई है, एंड दिस इज फ्रॉम द ब्रांड येलो चाइम्स, और इसकी पैकेजिंग बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगी है मुझे। सो इस तरीके से एक स्पंज दिया हुआ है सो दैट यू नो आपकी इयरिंग्स प्रोटेक्टेड रहे अंदर। तो ये है मेरी छोटी सी क्यूट सी इयरिंग, ये मैंने कैजुअल वेयर के लिए मंगाया है, कोई भी टी शर्ट्स वगैरह या ड्रेसेस वगैरह में के साथ पहनेंगे तो बहुत ही प्यारा लगेगा। हालांकि मैंने सोचा था कि थोड़ा सा बड़ा होगा और जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे थोड़ा सा छोटा साइज है, बट एनीवेज जैसा भी है मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लगा है। और ये है रोज गोल्ड में, इस तरीके की ओपनिंग है, इसमें प्रेस करके आप इसको ऐसे बंद कर सकते हैं, और नीचे जो है बहुत ही प्यारा सा पैटर्न दिया हुआ है, आई थिंक एक क्लॉक है, और इसमें रोमन नंबर्स दिए हुए हैं। इसके बीच में जो ब्लैक दिया हुआ है उसकी वजह से मैंने इसको बाय किया है, बहुत ही क्लासी एंड स्टाइलिश पीस लगता है। ये थोड़ा सा मुझे एक्सपेंसिव लगे बट देखने के बाद ये मुझे काफी वर्थ लग रहा है, काफी स्टाइलिश है, यू नो थोड़ा डिफरेंट यूनिक पीस लगा मुझे। सो नाउ आई थिंक दिस इज वर्थ बाइंग, बहुत ही ब्यूटीफुल पीस है, यू कैन डेफिनेटली चेक दिस आउट। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट इयररिंग इज दिस, इस तरीके की पैकेजिंग है, बहुत ही ब्यूटीफुल पैकेजिंग है, और दिस इज फ्रॉम द ब्रांड जूल्स गैलेक्सी। इफ यू गाइस डोंट नो, जूल्स गैलेक्सी जो है ज्वेलरी में काफ़ी अच्छा ब्रांड यू नो माना जाता है, मतलब इसकी क्वालिटी एंड प्राइसिंग वगैरह काफ़ी अच्छी रहती है। सो यस, जूल्स गैलेक्सी का एक इयरिंग है, इयरिंग तो मैंने काफ़ी सिंपल लिया है, दीज आर गोल्ड हुप्स, इस टाइप के हुप्स मुझे काफ़ी लंबे टाइम से चाहिए थे, और हुप्स मुझे ज़्यादा पसंद है पहनना क्योंकि हुप्स जो है अगेन काफ़ी वर्सेटाइल पीस होते हैं, आप उनको यू नो वेस्टर्न वेयर में पहने या ट्रेडिशनल वेयर में पहने दोनों में काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो इस तरीके का सिंपल सा हूप है, गोल्ड है, और आगे से ये कुछ वाइट अमेरिकन डायमंड्स लगे हुए हैं जिससे यू नो काफ़ी इसका लुक एनहांस हो जाता है, काफ़ी सिंपल है बट देखने में काफ़ी स्टाइलिश है, काफ़ी अच्छे लगते हैं। बट एक चीज़ इसमें है, अगर आप इसको अच्छे से नहीं रखेंगे ना तो इसके जो स्टोन्स हैं वो निकलने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है, तो इनके साथ जो इस तरीके की पॉलीथिन आती है ना तो आप इसको फेंकिए मत, यूज़ करने के बाद आप इनको इसी में रखेंगे तो ये काफ़ी लंबे टाइम तक चलते हैं, और यह काले वाले पड़ने का भी कम चांसेस रहता है, प्लस ये जो स्टोन्स इस पर जो स्टिक किए हुए ऊपर से वो भी निकलने के कम चांसेस रहते हैं। सो इट्स अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल पीस, इसमें मुझे ऐसे ही सिल्वर में भी चाहिए था, दैट आई विल बाय नेक्स्ट टाइम। ऑन टू सेकेंड लास्ट प्रोडक्ट ऑफ दिस वीडियो इज दिस, पैकेजिंग में आप लोगों को दिखा रही हूँ कि सबकी पैकेजिंग जो है बहुत ही ब्यूटीफुली इस तरीके से कार्टून बॉक्स में आई है, तो अगर आप यूज़ करने के बाद इसको इस इन्हीं बॉक्सेस में रखेंगे तो काफ़ी लंबे टाइम तक यू नो वो ज्वेलरीज चलती है और उनके खराब होने या गुम होने के चांसेस कम हो जाते हैं। दिस इज ऑल्सो फ्रॉम द ब्रांड येलो चाइम्स, तो ये है इट्स अ कॉम्बो प्रोडक्ट, मतलब इसमें आपको आई थिंक तीन हुप्स एंड तीन इस तरीके के स्टड्स मिल जाएंगे, ओपन कर लेते हैं एक बार। ओके, तो इसमें आए हैं इस तरीके के तीन स्टड जिसमें एक पर्ल है, एक स्टोन है और एक प्लेन गोल्ड हार्ट शेप स्टड है। ये तीनों मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आए और मैं ज़्यादातर स्टड्स ही पहनना पसंद करती हूँ, और तो ये रेगुलर यूज़ के लिए काफ़ी अच्छे रहते हैं, टी शर्ट्स वगैरह में अगर आप पहन रहे हैं तो काफ़ी अच्छे यू नो लगते हैं स्टड। और बात कर लेते हैं इनके साथ जो हुप्स आए हैं, तो पहला हुप है ये,
गोल्ड कलर के हुप्स है, मीडियम साइज है, काफी प्रिटी लग रहे हैं और इसका पैटर्न भी काफी डिफरेंट है बाकी हुप से, ऐसा थोड़ा ट्विस्टेड रहता है ना उस टाइप का हुप है, काफी प्रिटी मुझे लगा, परफेक्ट साइज है, कैजुअल पहने या ट्रेडिशनली पहने, कुर्ती वगैरह पहने काफी अच्छा लगेगा। सो यस, आई रियली लाइक दिस वन। सेकेंड हुप इज दिस पर्ल की हुप्स है, अगेन बहुत ही प्रिटी मुझे लग रहा है, इनका साइज भी ना ज्यादा बड़ा है ना ज्यादा छोटा है, परफेक्ट साइज है, जैसा मुझे पसंद है बिल्कुल वैसा ही है। पर्ल के हुप्स भी मुझे काफी लंबे टाइम से चाहिए थे, इसके लिए मैंने ये यू नो कॉम्बो वाला सेट चूज किया था अपने लिए, ताकि इसमें तीन हुप्स भी मिल जाए और तीन स्टड्स भी मिल जाए, तो दिस इज द परफेक्ट कॉम्बो आई वुड से। एंड द थर्ड एंड द मोस्ट ब्यूटिफुल हुप इन दिस कॉम्बो इज दिस, सी कितने प्यारे हुप्स है, इसमें एक्चुअली गोल्ड रिंग है और उसको इन्होंने यू नो छोटे छोटे व्हाइट पर्ल्स की लड़ी से जो ऐसे राउंड अप किया है, सो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे हैं ये। अगेन साइज इज परफेक्ट फॉर मी, मुझे इसी टाइप की हुप्स ईयरिंग पसंद है जो ना ज़्यादा बहुत बड़े हो और ना ज़्यादा छोटे हो, मीडियम साइज के हुप्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और ये तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल पीस लग रहा है। सो यस, बहुत ही ब्यूटीफुल पीस मुझे लगा, बहुत ही परफेक्ट कॉम्बो है ये, तीन हुप्स है, तीन स्टड्स है एंड प्राइस भी इसका बहुत ही ज़्यादा रीजनेबल था, बहुत ही परफेक्ट प्राइस में मुझे मिला है, क्वालिटी इज ऑल्सो वेरी वेरी नाइस, मतलब तीनों हुप्स तो मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारे लगे हैं, इन तीनों को मैं डेफिनेटली अपने आने वाले वीडियोज में जरूर स्टाइल करूँगी। स्टड्स तो चलो ठीक है, बहुत ही बेसिक है, बट टी शर्ट्स वगैरह या रेगुलर बेसिस में अगर आपको पहनना है तो काफ़ी ब्यूटीफुल है, तीनों डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल है, तो यस आई विल लाइक। लास्ट प्रोडक्ट ऑफ दिस हॉल इज दिस, अगेन बहुत ही ब्यूटीफुल एंड सेफ पैकेजिंग है, दिस फ्रॉम द ब्रांड शाइनिंग डीवा, और ये एक इयरिंग नहीं है, ये है एक नेक पीस जिस पे मेरी नज़र काफ़ी लंबे टाइम से थी, अगेन पैकेजिंग इन लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से की है, बबल रैपिंग के साथ आया है, दिस इज द नेक पीस, ये एक थ्री लेयर नेक पीस है, ये मैंने सिर्फ ऊपर ऊपर से देखा था, खोल के मैं अभी देख रही हूँ आप लोगों के सामने। सो ये तीन लेयर का नेक पीस है जिसमें सबसे पहला हार्ट है, उसके बाद हाफ मून है एंड देन लास्ट में आई थिंक ये कुछ मैप, जो मैप होता है आई थिंक वर्ल्ड मैप, उसका ग्लोब का जो एक पैटर्न दिया हुआ है जो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल एंड स्टाइलिश लग रहा है, और जहाँ तक क्वालिटी की बात है अभी तक तो क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है मुझे, और काला पड़ेगा कि नहीं वो तो यूज़ करने के बाद ही पता चलेगा, और इसका गोल्ड भी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मतलब एकदम ब्राइट येलो भी नहीं है, काफ़ी सटल एंड थोड़ा थोड़ा रोज़ गोल्ड टाइप भी लग रहा है मुझे ये, बट रोज़ गोल्ड नहीं है, दिस इज़ गोल्ड ओनली, बट बहुत ही सटल एंड प्यारा सा गोल्ड है, बहुत ही ब्यूटीफुल पीस है। इसमें ऊपर आपको इस तरीके की चेन दी है ताकि आप इसकी लेंथ एडजस्ट कर पाए, सो दिस इज़ द स्मॉलेस्ट लेंथ यू कैन हैव, मतलब ये सबसे छोटा लेंथ है, इसके बाद अगर आप लोगों को बड़ा करना है तो यू कैन एक्सटेंड द चेन एंड द लेंथ। सो यस, काफ़ी ब्यूटीफुल पीस है, मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लगा है, प्राइजेस वगैरह मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंशन कर दूंगी। सो यस, दिस इज द लास्ट पीस इन दिस हॉल। सो आप लोगों को एक और पीस में दिखा देती हूँ, जो कि है ईवल आई नेकलेस, जो कि मैंने आप लोगों से शेयर किया था एक ब्लॉग में, इसके साथ एक ब्रेसलेट भी आया था जिसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा गंदी थी, बट ये नेक पीस मुझे इतना ज़्यादा पसंद आया कि मैंने रिटर्न नहीं किया और रख लिया है, और इसको मैं हमेशा पहनती हूँ, और यार ये भी अमेजोन से ही मैंने लिया है, अगर आप चाहें तो इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप जरूर चेकआउट कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, और आप देख सकते हैं मैं स्वेटिंग से पूरा यू नो गीली हो चुकी हूँ, बट ये अभी तक टार्निश नहीं हुआ है, मैंने बहुत बार इसको पहन चुका है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। सो यस, दिस इज़ इट इन दिस वीडियो, आई रियली होप आप लोगों को मेरा ये ज्वेलरी कलेक्शन पसंद आया हो, नॉट कलेक्शन हॉल पसंद आया हो, इसके बाद में मेरा ज्वेलरी कलेक्शन वीडियो भी बनाने वाली हूँ, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। इनमें से कौन सा पीस आप लोगों को सबसे ज़्यादा अच्छा लगा और कौन सा अच्छा नहीं लगा आप मुझे बता सकते हैं वाया कॉमेंट सेक्शन, आई बी हैप्पी टू रीड योर कॉमेंट्स। वीडियो ज़रा सभी पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, क्या पता किसी के काम आ जाए, यू नो फेस्टिवल्स आने वाले हैं तो कोई पीस अगर किसी को पसंद आता है तो वो इजीली बाय कर सकते हैं, एंड ये सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, आपको कोई पे करने की जरूरत नहीं है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, साथ ही बेल आइकन को भी हिट कर देना ताकि मेरे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको टाइम से आ जाए, और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज में, इंस्टाग्राम में मैं कुछ इंटरेस्टिंग रील्स बनाती हूँ, तो अगर आप लोगों को रील देखना पसंद है तो प्लीज़
वहाँ जाके चेकआउट कीजिए, पसंद आते हैं तो प्लीज आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको माय हॉल स्टोर का लिंक मिल जाएगा, अगर आप उस सिंगल लिंक क्लिक करेंगे तो मेरे ये परचेज सारे दस से पहले के जो परचेजेस है सब आपको एक ही पेज में दिख जाएंगे। सो आपको जो जो पसंद है वहाँ जाके बाय कर सकते हैं। सो दिस इज इट फॉर नाउ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।